जी अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं जी? सबके खैरियत से हैं जी। यूके में ऑटम स्टार्ट हो चुका है, तो आज का व्लॉग इसी से रिलेटेड है। हम ये आए हुए हैं जी बोर्डनम आर्बोरेटम, ये गार्डन्स हैं हमारे घर के पास ही, तो वहाँ इस वक्त आए हुए हैं। तो सिर्फ इसी चीज़ को ज़रा ऑब्ज़र्व करने के लिए कि कलर्स जो हैं, ट्रीज़ जो चेंज करते हैं उनको देखा जाए। तो आर्बोरेटम जो एक्चुअली ये जो वर्ड है, ये इसका बैकग्राउंड इजिप्शियन है, ये वहाँ से वर्ड जो है ना ये आया, इसका मतलब है कि ऐसा गार्डन, ऐसी प्लेस जहाँ मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, उसका एक उन पर रिसर्च की जाए, उन प्लांट्स पे, और लोग आके उन्हें देखें। तो लेट्स सी इनसाइड, कुछ दिखाते हैं। खूबसूरत सा कैफे भी है। खूबसूरत सी लेक। पहले ज़रा टिकट्स लेनी पड़ेंगी गार्डन की। वाइफ आ गए हैं इधर, थोड़ा एंजॉय किया जाए वेदर को भी। नाइस वेदर आज। ले जी टिकट्स ले ली हमने, ये इन्होंने स्टिकर से दे दी हमें लगाने के लिए, ये हमने लगा लिए हैं, यही हमारी टिकट्स हैं। तो ये कुछ 6 pound समथिंग ये चार्ज करते हैं एडल्ट का, और बच्चों के चार्जेस थोड़े कम हैं इससे। ये गूस फिर रहे हैं जी अंदर। ये खूबसूरत सी पीसफुल सी लेक है, चारों तरफ फॉरेस्ट है इसके, खूबसूरत गार्डन्स हैं, ट्रीज के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं, चेंज हुए हैं इधर। ऐसे तो हर जगह ही ट्रीज़ के जो कलर हैं वो प्लांट्स के चेंज हो रहे हैं, लेकिन गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके कलर हैं, जब वो चेंज होते हैं वो भी प्यारे लगते हैं। स्टिकर्स का बताया बनाने के जी, ये आपने हर वक्त लगा के रखने हैं। ये देखें जी इतने खूबसूरत कलर है इस प्लांट का, ब्यूटीफुल। ये कलर सारे ऑटम की वजह से चेंज हो रहे हैं। ये देखें जी कितने प्यारे कलर हैं इस पौधे के चेंज होने के बाद। एक्चुअली ये कलर नहीं है इसका। ये पौधा कितना प्यारा लग रहा है कलर चेंज होके। इस ट्रीज के तो काफी गिर चुके हैं पत्ते, ये देखें सारे जोन से ना येलो कलर, ब्यूटीफुल। This one, the redwood, that tree. Redwood. Yeah, it looks like. Why did we walk onto this? ये जी तीन trees हैं यहाँ। ये एक ये सामने आपको नजर आ रहा है red से color का। ये जो tree है ये हो गया, वो दो उधर हैं। ये trees जो है ना ये बिल्कुल different हैं, इनकी ये खा शॉ
जो स्किन है वो देखें कितने आराम से उतर रही है। बहुत सॉफ्ट है इसका, बहुत ही सॉफ्ट स्किन है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी ज़िंदा रहने वाला ट्री है, ये जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना 1000 साल से ऊपर चली जाती है इसकी एज। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एज के जो ट्रीज़ हैं रेडवुड ट्रीज़, वो मेरा ख़्याल अमेरिका में है, नाम मेरे जहन में नहीं है, फॉरेस्ट उनके एरिया का सबसे ज़्यादा एज के 1000 साल से ज़्यादा एज है उनकी जो इस वक्त वहाँ हैं। ट्री का कलर कितना खूबसूरत है, मिक्सचर ऑफ रेडिश एंड येलो। इस ट्री के जो पत्ते हैं सारे बिल्कुल रेड हैं, ये देखें जी, वाओ कितना खूबसूरत कलर है, लवली। देखें ये अल्लाह की कुदरत, कितने ब्राइट कलर हैं इन पत्तों के। एक्चुअल जो कलर है इन पत्तों का वो ग्रीन है, लेकिन ऑटम में देखें चेंज होके क्या खूबसूरत, देखें ज़बरदस्त रेड कलर हो गया इनका। यहाँ उन्होंने हर ट्री का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये एक्चुअल इसका जो बैकग्राउंड है ना वो जापान से आया ये ट्री, ये पौधा। इसी तरह ये जो है जी ये चाइना से आया, यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के पौधे इन्होंने लगाए हैं। कितने खूबसूरत कलर हैं, ब्यूटीफुल। एक्चुअल कलर देखें ग्रीन है पत्तों का, लेकिन चेंज हो गए, अल्लाह की कुदरत देखें। जो सबसे बड़े गार्डन्स हैं वो गार्डन है वो लंदन में है, क्यू गार्डन, वो बहुत बस नाइस प्लेस टू विज़िट, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत गार्डन्स हैं वहाँ भी। इन्होंने पूरी दुनिया से जो पौधे हैं ना वो गार्डन में लगाए हुए हैं, वहाँ बहुत बड़ा ग्रीन हाउस भी है अंदर, उधर भी इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के पौधे रखे हुए हैं, पाकिस्तान के भी उधर हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ट्रॉपिकल हर किस्म के पौधा। ये इन्होंने लिखा हुआ है जी, इसको आप एज अ प्राइवेट पार्टी के लिए बुक करा सकते हैं इस प्लेस को, गार्डन के अंदर किसी ने कोई बर्थडे पार्टी करनी है, बारबेक्यू करना है, या किसी और किस्म की कोई पार्टी करनी है तो बुक कराएं, एंजॉय करें।
कितना खूबसूरत कलर है इसके, येलो। देखें एक्चुअल कलर इनका ग्रीन है जो कि अब टर्न होके येलो हो चुका है। यहाँ इन्होंने गार्डन में ना एनिमल्स भी हैं, ये जी डोंकीज, डोंकीज के पास आए और इन्हें कडल करें। यहाँ तो लोगों के लिए ज़रा ये यूजुअल है डोंकीज को देखना। इस वक्त हम डोंकी इनक्लोजर के अंदर आ चुके हैं, तीन अदर डोंकीज। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ एरिया में डोंकी सेंचुरीज भी बनाई हुई हैं जहाँ आप जाके डोंकीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको मंथली आप थोड़ा बहुत कोई पे कर सकते हैं तो आपसे कोई चार्जेस लेते हैं अगर आप अडॉप्ट करते हैं, कोई 5 पाउंड आप महीने के या 10 पाउंड महीने के जो भी आपको अफोर्ड होता है, तो वो डोंकी आपको आप एक किस्म का अडॉप्ट कर लेते हैं। जी होपफुली आपको आज का हमारा गार्डन ट्रिप पसंद आया होगा, ऑटम के कलर अच्छे लगे होंगे, तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।